नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्लेच में। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। क्या अपने प्रीवियस वीडियो में हमारे पढ़ा होगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वो समझ में आया हो कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम कैसे करते हैं। इफ एल्स और एलिफ हमने तीनों पढ़े थे, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ प्रॉब्लम सीरीज एक सेट स्टार्ट कर रहा हूँ अलग से, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं पाइथन के अंदर, उनकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में तीन क्वेश्चंस लिए, तीनों इफ एल्स के ऊपर है, ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इफ अ करेक्टर इनपुट इज अ वॉवल और नॉट, ठीक है। ये बोलना क्या चाहते हैं कि हमें यूजर से ना इनपुट लेना है, एक करेक्टर इनपुट लेना है। एक करेक्टर मतलब सिंगल करेक्टर, जैसे एबीसीडी होता है, जैसे करेक्टर बोलते हैं उसको, तो एक करेक्टर इनपुट में लेना है और बताना है कि वो एक सिंगल करेक्टर वॉवल है या नहीं। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन पे काम करो ना, तो पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो जो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। पहली चीज इसने क्या बोली है कि भाई तुम्हें तो इनपुट लेना है, तो पहले इनपुट लेने वाला काम तो खत्म कर दो। तो हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, कैर इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ करेक्टर। हमने करेक्टर इनपुट में ले लिया, मतलब ले लेंगे चलेगा। तो अब इसने बोला, अब यहां पर क्या आ रही है, एक इफ बोल रहा है, प्रिंट इफ अ करेक्टर इनपुट इज अ वॉवल और नॉट। इफ लगाना है हमें, इफ कंडीशन लगेगी कि यार वो वॉवल है या नहीं है, ठीक है। अब वॉवल में क्या होता है हमारे, ए ई आई ओ यू। अब ध्यान रखिएगा, ए ई आई ओ यू हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो लोअर केस में और अपर केस में। लोअर केस मतलब स्मॉल, जो बोलते हैं लोग स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। तो कैपिटल ए आपका अपर केस हो गया, स्मॉल ए आपका लोअर केस हो गया। तो हमने यहाँ पे बोला एंटर अ करेक्टर, ठीक है। अब इफ कैर इक्वल टू इक्वल टू ए, या तो जो हमें कैर इनपुट में लिया है या तो वो ए है, ठीक है, या फिर जो हमने कैर लिया है वो या तो ई है, या कैर जो हमने लिया है वो आपका आई है, या कैर जो लिया है हमने वो आपका ओ है, या वो यू है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी भी लगा दोगे, कैपिटल ए, कैपिटल ओ, कैपिटल ई, कैपिटल आई वगैरह सबका लगा दोगे, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतने रख रहा हूँ, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसमें हो क्या रहा है, जो हमने कैरेक्टर इनपुट में लिया है, या तो कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी पहली वाली, या फिर ये हो जाएगी, या फिर ये हो जाएगी, या फिर ये हो जाएगी, या तो वो ओ होगा, या फिर वो ये हो जाएगी ट्रू, या तो वो यू होगा। तो इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा, और ऑपरेशन। अगर आपको पता होगा, अगर इनपुट में एक ट्रू भी आ गया तो आउटपुट वो हमें ट्रू देता है। यहाँ पे इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमारा इफ को ट्रू मिल जाएगा और वो हमें क्या कर देगा, प्रिंट वॉवल कर देगा, प्रिंट वॉवल। एल्स हो सकता है ना, कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो इनमें से, तो एल्स में क्या आ जाएगा, प्रिंट नॉट वॉवल, ठीक है। या फिर आप इसको प्रिंट कॉन्सोनेंट भी कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, मैंने इनपुट में दिया के, तो इसने कॉन्सोनेंट बता दिया, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, मैंने इनपुट में दिया ओ, तो इसने मुझे वॉवल बता दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ना एक करने का तरीका और भी है, कैसे समझते हैं, ठीक है। इतने पार्ट को तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक तरीका और क्या है, आप एक लॉजिक और भी लगा सकते हो, आप ना पाइथन को बता दो कि भाई वॉवल किनको बोलते हैं, तो वॉवल के ना एक कलेक्शन बना के दे दो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ कैर इन वॉवल, तो यहां से ध्यान से समझिए क्या हो रहा है कि जो हमने कैर इनपुट में लिया है, ठीक है, अगर वो वॉवल का मेंबर है, यहाँ पे इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, अगर आपको याद होगा तो इन यहाँ आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, अगर कैर वॉवल जो कलेक्शन है उसका मेंबर है तो वॉवल है, नहीं तो कॉन्सोनेंट है, सिंपल। मेंबरशिप ऑपरेटर का आउटपुट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या तो वो उसका मेंबर है
या नहीं है। तो सेम तरीके से इसको अगर मैं रन करूँ, मैंने के इनपुट में दिया, देखिए आप कॉन्स्टेंट बता रहे हैं, मैंने ओ इनपुट में दिया तो ये हमें वॉल बता रहा है, ठीक है। तो दोनों लॉजिक अलग अलग है, काम सेम कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई लॉजिक ये हो सकता है, ये वॉवल वाला जो हमने लॉजिक यूज करा है नीचे, ये वाला लॉजिक इस वाले केस में चल जाए, किसी और केस में ना चले, तो डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर केसेस में मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल तरह के हम लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक लॉजिक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कोई लॉजिक थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है, कोई कम ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं छोटे मोटे, जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा वाला लॉजिक यूज करना है, कौन सा बेस्ट सूटेड रहेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स टेकन एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। बस मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीन नंबर लेने यूजर से, ठीक है, तीन नंबर हमें यूजर से इनपुट लेने, मतलब तीन इनपुट आएंगे और उन तीनों इनपुट में हमें चेक करना है कि उन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा इनपुट है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने नंबर वन लिया, इसको एन वन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात ही की है, नंबर ले रहे तो इंट लगेगा, इनपुट लगेगा, एंटर, फर्स्ट नंबर बोल दिया हमने यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हमने इसको बोल दिया सेकंड नंबर, ये आपका हो गया एन टू, फिर से कर लेते हैं, हमें तीन नंबर लेने ना, तो ये तीन नंबर हमने ले लिया, इसमें हमने दे दिया एन थ्री, ठीक है, तीन नंबर हमारे इनपुट में आ गए, ठीक है। अब पहले कंडीशन क्या होगी कि जो आपका एन वन है वो एन टू से भी बड़ा है और एन थ्री से भी बड़ा है, मतलब एन वन इज ग्रेटर देन एन टू एंड एन वन इज ग्रेटर देन एन थ्री, एन वन दोनों से बड़ा है, मतलब बड़ा कौन सा है इसमें, पहला नंबर, प्रिंट एन वन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एलिफ, आप इसको ना यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, अभी के लिए हम नीचे कर देते हैं। अगर आपको एक ही चीज प्रिंट करवाना, एक ही चीज एक काम करवाना है इसके अंदर, तो आप उसको आगे भी लिखोगे चल जाएगा, नीचे भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। एलिफ जो आपका वो एन टू है वो आपका एन वन से भी बड़ा है एंड आपका एन टू जो है वो एन थ्री से भी बड़ा है, तो मैं लिखा हुआ प्रिंट एन टू, एन टू दोनों से बड़ा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एन वन भी नहीं बड़ा नहीं निकला, एन टू भी बड़ा नहीं निकला, या तो आप एलिफ लगाकर एन थ्री के लिए सेम केस लिख दो, या फिर आप क्योंकि यहाँ पे, या फिर आप एल्स में डाल दो, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कोई और अगर पॉसिबिलिटी बनती तो हम लोग एलिफ लगाते, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं कि कुछ और चीज आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एल्स लगा देंगे, प्रिंट एन थ्री, ठीक है। कोड रन करते, मैंने एक नंबर दिया 85, एक नंबर दिया 74, एक नंबर दिया 97, तो बड़ा कौन सा आना चाहिए था, 97 आना चाहिए था, आ गया। दोबारा रन करते हैं, मैंने बोला 74 51 24, 74 आ गया सबसे बड़ा, मैंने बोला 85 797 12 797 आ गया, देखिए तो तीनों नंबर में से वो कंपेयर कर रहा है और बता रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये, हमें ना राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ शेप इज रेक्टेंगल और स्क्वायर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ इट साइड्स, मतलब हमें यूजर से दो चीजें लेनी है, दो साइड होती है, चार साइड होती है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में तो क्या होता है कि अपोजिट साइड से इक्वल होती है ना, सेम होती है, तो हम क्या करेंगे एक लेंथ ले लेते हैं और एक ब्रेथ ले लेते हैं, हमने साइड्स ले ली, अब हमें उसके बेसिस से बताना है कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। अब ध्यान से सोचिए रेक्टेंगल में क्या होगा कि लेंथ या तो बड़ी होगी या ब्रेथ बड़ी होगी, दोनों में से एक बड़ी होगी, लेकिन अगर दोनों इक्वल है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, तो वो बाय डिफॉल्ट अपना क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो वही कर लेते हैं हम लोग, पहले हम लेंथ ले लेते हैं, हमने बोला लेंथ इज इक्वल टू इंट, लेंथ तो मतलब कीवर्ड है आपका, एल ले लेते हैं, हमने करा इंट इनपुट एंटर लेंथ, ऐसे हमने बोला इंट इनपुट एंटर ब्रेथ,
अगर एल और बी दोनों आपस में इक्वल है तो क्या है आपका स्क्वायर एल्स। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल ही होगा ना, कोई और पॉसिबिलिटी तो बन नहीं सकती। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट रेक्टेंगल। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 7 एंड 9, तो इसमें रेक्टेंगल बता दिया। मैंने दिया 8 एंड 8, तो इसने स्क्वायर बता दिया। जो भी यूनिट्स होंगी, यूनिट्स आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने लेंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम और 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो तीनों क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप देख सकते हैं अगली वीडियो के बढ़ने से पहले, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और आपको जो इफ एल्स वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बेटर क्लियर हुआ होगा कि वो काम कैसे करता है, इफ एल्स यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग थोड़े से और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि इफ एल्स हम लोग कोडिंग की दुनिया में यूज कैसे करते हैं, किन जगहों पे उनकी अहमियत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर जरूर पूछिए, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए, सॉल्व करने के लिए डाउट्स रेडी है, ओके। सो थैंक यू।